सब तो पहला मेरे वालों आप सब नु प्यार भरी सत श्री अकाल। मेरा नाम रमनप्रीत कौर है, मैं 8वीं जमात की विद्यार्थी हाँ। मैं लाइब्रेरी विचों एक बुक ली सी जिसका नाम कल का सपना है। इसके राइटर उजागर सिंह महक हैं। उजागर सिंह महक पंजाबी भाषा के समर्थवान और चर्चित साहित्यकार सन जिन्होंने पंजाबी भाषा में जम्मू कश्मीर में सौखा करने बहुत वड्डा योगदान दिता। इस पुस्तक 12 कहानियां कवितावां वांगां उन्होंने मैंने एक कहानी पढ़ी जिसका नाम एक बच्चे का सुपना है। एक बच्चे सुत्या पया सुपना आया कि एक सुपना सी जां चमत्कार उस नूं एक पैसों की थब्बी लभदी है अते उसके सामने एक हंस आता है। उस देख के वह आकर्षित हो जाता है। वह हंस के उपर बैठ के एक बहुत ही सुंदर दुनिया में चला जाता है। उस दुनिया में ना ही झगड़ा सी ना ही खून खराबा। उत्थे बच्चे हंसते खेलते गाँवते रहते सन। उत्थे किसी बच्चे के दिल में कोई डर नहीं सी पर फिर बच्चों के मन में डर बैठ गया क्योंकि उत्थे एटम बंबा वाले जहाज आ गए सन। तां रब ने उन्होंने बुलाया तां बच्चों ने प्रार्थना की कि ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਐਟਮ ਬੰਬਾਂ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਕੇ ਖੁਦ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਏ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ।